कॉम पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलविश। द श्रेष्ठ भारत शो में आप रोज देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें, तो आइए शुरू करते हैं द श्रेष्ठ भारत शो। चुनाव के मद्देनजर राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार अभियान जारी है। पीएम मोदी ने आज चुरू और झुंझुनू में पीने के पानी का मुद्दा उठाया। राजस्थान के चुरू झुंझुनू समेत पूरे शेखावटी क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ती है, यहाँ सदियों से पानी का संकट रहा है। प्रधानमंत्री ने चुरू की रैली में पानी का मुद्दा उठाया और कहा, केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन से उन्होंने घर घर तक पीने का पानी पहुंचाने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो काम 70 साल में नहीं हुए वो 10 साल में पूरे किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 साल में किए गए काम तो ट्रेलर हैं, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। बीते 10 साल में मोदी ने देश में जो काम किए हैं, उन्होंने विकसित भारत की नींव तैयार कर दी है। आज पूरी दुनिया हैरान है कि भारत इतनी तेजी से कैसे विकास कर रहा है। दुनिया को पता नहीं है कि भारत की इस मिट्टी की बात ही कुछ और है। पीएम मोदी की बातों का असर जनता पर जितना होता है वो आपसे छिपा नहीं है। इसे पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरों का ही असर कहेंगे कि राजस्थान की कमान आज बीजेपी के हाथ में है। शायद इसी बात पर बीजेपी का मनोबल और भी बढ़ा है और इसलिए लोकसभा चुनाव में भी भगवा लहराने के लिए प्रधानमंत्री फिर मैदान में हैं। राजस्थान में पीएम मोदी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कोटपुतली से की थी। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष कहता है कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ, मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ। आपको बता दें कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर दो चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान होगा और बाकी 13 सीटों पर दूसरे चरण यानी कि 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व चेयरपर्सन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इसे जारी किया। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने बड़े चुनावी वादे किए हैं। इसमें 25 तरह की गारंटी दी गई है। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर MSP को कानूनी दर्जा देने, 50% की आरक्षण सीमा खत्म करेंगे और साथ में रिजर्वेशन सीमा बढ़ाने की बात कही है। जातिगत जनगणना कराएंगे, कर्जा माफी आयोग बनेगा, साथ में कहा रोजगार की गारंटी इसमें शामिल है। घोषणा पत्र में 5 तरह के न्याय का जिक्र किया है, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए, 40 लाख सरकारी नौकरियां, गरीब महिलाओं को 1 लाख की मदद, ट्रेनिंग के लिए 1 लाख की मदद, शहरी रोजगार गारंटी स्कीम लाने का वादा भी इसमें किया गया है। युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अप्रेंटिसशिप के साथ पक्की हो जाए, ऐसी एक गारंटी हम दे रहे हैं और उसके लिए हम 1 लाख रुपए, उसके लिए हम एक अप्रेंटिसशिप कोर्स करने वालों को खर्च करेंगे और इससे ये फायदा होगा किसी ना किसी जगह उसको पक्की नौकरी मिलेगी, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट के तहत और बहुत से इंडस्ट्रीज में इनको काम मिलेगा। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है, हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 तरह की गारंटियों का जिक्र है। खड़गे ने यह भी कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर मनरेगा के तहत मजदूरों की मजदूरी 400 रुपए कर दी जाएगी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी आप सांसद संजय सिंह ने जमानत मिलने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर बेहद संगीन आरोप लगाए। वहीं जेल से आप नेता मनीष सिसोदिया ने अपने समर्थकों को एक भावुक खत लिखा है।
संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि शराब घोटाला बीजेपी ने ही किया और बीजेपी ने ही केजरीवाल को फंसाने के लिए ये पूरी साजिश रची है और षड्यंत्र के तहत दिल्ली के लिए काम करने वाले केजरीवाल को जेल में डाला गया है। संजय सिंह ने कहा कि शराब घोटाले में जिन मुनगुंटा रेड्डी का नाम आता था उन्होंने पीएम मोदी के साथ तस्वीर खिंचाई और वे आंध्र प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी टीडीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है, इसका भी खुलासा करूंगा आज। इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इसमें शामिल हैं। अब बात दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की करते हैं। उन्होंने अपने समर्थकों को जेल से खत लिखा है। उन्होंने लिखा है, जल्द ही बाहर मिलेंगे, शिक्षा क्रांति जिंदाबाद। पिछले एक साल में मुझे सबकी याद आई, सबने बहुत ईमानदारी से मिलकर काम किया। जैसे आजादी के समय सबने लड़ाई लड़ी, वैसे ही हम अच्छी शिक्षा और स्कूल के लिए लड़ रहे हैं। अंग्रेजों की तानाशाही के बाद भी आजादी का सपना सच हुआ, वैसे ही एक दिन हर बच्चे को सही और अच्छी शिक्षा मिलेगी। बिहार के पूर्णिया सीट से आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दिया तो कांग्रेस के पप्पू यादव निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर पड़े। बिहार कांग्रेस ने अब पप्पू यादव को अल्टीमेटम देते हुए नामांकन वापस लेने को कहा है। पप्पू यादव के नामांकन ने महागठबंधन की टेंशन को बढ़ा दिया है। पप्पू यादव के नामांकन को लेकर अब तक चुप्पी साधे रही कांग्रेस की ओर से अब प्रतिक्रिया भी आई है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा है कि किसी को भी निर्दलीय नामांकन नहीं करना चाहिए। उन्होंने दो टूक कहा कि कांग्रेस आलाकमान किसी को भी इन सब चीजों की इजाजत नहीं देगा। आपको बता दें कि आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने 3 अप्रैल को पूर्णिया सीट से नॉमिनेशन किया था। बीमा के नामांकन के अगले ही दिन पप्पू यादव ने बतौर निर्दलीय पर्चा भर दिया। पर्चा भरने के बाद पप्पू यादव ने ये जनसभा को भी संबोधित किया जहां मंच पर वे जोर जोर से रोते बिलखते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे 14 दिन से टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, मैं एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ, कई लोगों ने मेरी राजनीतिक हत्या करने की साजिश रची। बता दें कि इससे भी पहले पप्पू यादव ने अपनी पार्टी के कांग्रेस में विलय का ऐलान करते हुए कहा था कि पूर्णिया सीट से महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला तो वे निर्दलीय ही मैदान में कूद पड़े। अब देखते हैं कि उनका फूट फूट कर रोना उन्हें कितनी कामयाबी दिलाता है। वैसे पूर्णिया सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है नहीं, क्योंकि बिहार में बीजेपी के सहयोगी जेडीयू इस सीट से मौजूदा सांसद संतोष कुमार कुशवाहा को मैदान में उतार रही है। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान संतोष कुशवाहा ने काफी बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। बीमा भारती पूर्णिया लोकसभा सीट के अंतर्गत रुपौली सीट से पूर्व विधायक हैं, जबकि पप्पू यादव अभी भी इस सीट पर अहम प्रभाव रखते हैं। इन वोटों के बंटवारे से जेडीयू को सीट बरकरार रखने में मदद मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सेना का पराक्रम देखने को मिला। सेना ने उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इसी दौरान जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी ढेर भी हुआ है। सेना ने आतंकियों के मंसूबों को एक बार फिर ध्वस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में आतंकियों का एक ग्रुप घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद सूत्रों से मिली जानकारी के बाद सेना मौके पर पहुंची तो आतंकियों ने फायरिंग ही शुरू कर दी, जिसका जवाब देते हुए सेना ने भी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में एक आतंकी के ढेर होने की खबर है। वहीं दूसरे आतंकियों की तलाश के लिए सेना इलाके में सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है। ब्याज दरों में कमी की उम्मीद कर रहे लोगों को निराशा हाथ में लगी है। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर ही बरकरार रखा है, यानी कि एक बार फिर आपकी ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा। रेपो रेट को नीतिगत ब्याज दर भी कहा जाता है, क्योंकि सभी तरह के लोन की ब्याज दरें इसमें होने वाले बदलाव से इफेक्ट होती हैं। अभी रेपो रेट 6.50% है, ऐसा लगातार 7वीं बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट में बदलाव ना करने का फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी फाइनेंशियल सिचुएशन का एनालिसिस करने के बाद रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया गया। आफ्टर अ डिटेल्ड असेसमेंट ऑफ द इवॉल्विंग मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स एंड द आउटलुक, द रिजर्व बैंक MPC डिसाइडेड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 5-1
to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. इसके साथ ही गवर्नर शक्तिकांत दास ने देश की जीडीपी की रफ्तार 7% रहने का अनुमान जाहिर किया है। ये थी द श्रेष्ठ भारत शो में आज की सभी बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के साथ कल फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।